नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज आपको हम पॉलीथीन बैग में राई की पौध उगाने का बहुत ही आसान तरीका बताने जा रहे हैं। तो आप देखिए किस तरह से मैंने तैयार किए हैं। ये देखिए, ये जो 3-3 किलो की होती थी, ये काली काली नर्सरी वाली बैग पॉलीथीन की, उसमें हमने इस राई की पौध को उगाया है और बहुत बढ़िया हुई थी इसके पौधे। तो आप देखेंगे किस तरह से, ये देखिए, इसकी मिट्टी में हमने ज़्यादा पत्ते वाली खाद, जो घर में वैसे ही नॉर्मल पत्ते होते हैं, उन्हीं को सड़ा दिया था, थोड़े सड़ गए थे, उसी को अंदर नीचे की तरफ भर दिया और फिर उसके ऊपर थोड़ी मिट्टी में गोबर की खाद मिक्स की हुई उसको डाल दिया था और पॉलीथीन में छेद भी कर दिया था किसी लकड़ी से या किसी नुकीली चीज़ से, इससे पानी ना रुके उसमें, इसलिए उसके नीचे नीचे छेद भी बना दिया था। और इस तरह से देखिए, मैंने भर दिया है मिट्टी पर। मिट्टी भरने से पहले उसमें थोड़ी कीटनाशक दवाई भी मिक्स कर लें, जिससे कीड़े न लगें मिट्टी में। कीड़े अगर हों तो वो मर जाएँ, नहीं तो फिर वो पौधों की जड़ों को ख़राब कर देते हैं। ये देखिए इस तरह से, फिर मैंने थोड़ा मिट्टी को गीला कर दिया लगाने से पहले, जिससे उसमें नमी बन जाए अच्छे से पहले से ही, और लगाने में आसान भी होता है, पौधे भी नहीं मुरझाते फिर जब नमी रहती है पहले से। तो फिर उसके बाद हमने ये देखिए, ये राई की पौध एक जगह बो रखी थी, फिर इस पौध को अलग अलग सभी पॉलीथीन बैग में इस तरह से हमने लगा दिया। ये देखिए, आप देख रहे होंगे, इस तरह से सभी बैग में लगा के उसके बाद फिर लगाने के बाद फिर इसके ऊपर फिर थोड़ा थोड़ा मैंने पानी का छिड़काव कर दिया है, जिससे पौधे अच्छे से जड़ पकड़ लें। ये देखिए, लगा दिया है और फिर पानी भी डाल दिया है थोड़ा थोड़ा उसके बाद भी लगाने के बाद इस तरह से, इससे फिर पौधे नहीं ख़राब होते, मुरझाते नहीं वो, नहीं तो वो फिर धूप में मुरझा जाते हैं। इस तरह से डाल दिया पानी और पानी डालने के बाद फिर उसको 3-4 दिन के लिए हल्की धूप वाली, मतलब छाया वाली जगह में ही रख दिया, जहाँ धूप ना पड़े इनके पौधों में। फिर उसके बाद फिर इसको वापस धूप में रख दिया सभी पॉलीथीन बैग को, और फिर उसके बाद देख लीजिए आप कितने अच्छे से राई की पौध तैयार हुए हैं। ये देखिए, बहुत अच्छे से बड़े बड़े पत्ते हुए हैं और ग्रोथ भी इनकी अच्छी हो रही है। तो इस तरह से अगर आप लगाएंगे राई की पौध को तो बहुत आसानी से तैयार हो जाते हैं काली वाली पॉलीथीन बैग में। ये देखिए इस तरह से, और उसके बाद फिर टाइम टाइम से गुड़ाई निलाई करते रहें और पानी का भी ध्यान रखें, बराबर पानी भी डालते रहें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। धन्यवाद।